हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया लाइव। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसीक्यूज फॉर चैप्टर फाइव का पार्ट फाइव हमारे डिप्लोमा फार्माकोलॉजी से। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ड्रग्स एक्टिंग ऑन शॉक में, जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ शॉक में कौन से ड्रग्स यूज होते हैं उनके बारे में जो एमसीक्यूज है उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर वन, व्हिच टाइप ऑफ शॉक इज कैरेक्टराइज्ड बाय अक्यूट रिडक्शन ऑफ इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम एंड इनएडिक्वेट परफ्यूजन ऑफ सेल एंड टिश्यू। तो कौन सा हमारा ऐसा टाइप का शॉक होता है जिसमें हमारा जो सर्कुलेटिंग ब्लड का वॉल्यूम होता है वो इफेक्टिवली बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है, और हमारे जो सेल्स में और टिश्यू में ब्लड की जो परफ्यूजन है या फिर ब्लड का जो मतलब ब्लड का अंदर जाना बाहर आना जो परफ्यूजन होता है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है या फिर इनएडिक्वेट अमाउंट में हो जाता है। तो ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, ऑप्शन बी कार्डियोजेनिक शॉक, ऑप्शन सी सेप्टिक शॉक, ऑप्शन डी न्यूरोजेनिक शॉक। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में हमारा क्या होता है, देर इज अ सिवियर लॉस ऑफ ब्लड और अदर फ्लूइड्स। हमारे बॉडी में ब्लड की या फिर जो दूसरे फ्लूइड्स हमारे बॉडी में होते हैं उनकी बहुत ही ज्यादा अमाउंट में लॉस हो जाती है, रिजल्टिंग इन इम्प्रॉपर टिश्यू परफ्यूजन एंड डिक्रीज इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम, जिसके वजह से हमारे टिश्यूज में जो ब्लड होते हैं वो अच्छी तरीके से परफ्यूज नहीं हो पाते या फिर हमारा इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर टू इज, व्हिच ड्रग इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड वैसोप्रेशर फॉर द मैनेजमेंट ऑफ शॉक। तो शॉक के ट्रीटमेंट में यूज करने वाला, सबसे ज्यादा वाइडली यूज करने वाला वैसोप्रेशर कौन सा होता है हमारे पास? ऑप्शन ए नॉरएपिनेफ्रिन, ऑप्शन बी एपिनेफ्रिन, ऑप्शन सी डोपामिन या फिर ऑप्शन डी डोब्यूटामिन। सो द करेक्ट आंसर इज नॉरएपिनेफ्रिन। तो जो नॉरएपिनेफ्रिन है वो हमारा मोस्ट वाइडली यूज्ड वैसोप्रेशर है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ शॉक। ये एक पोटेंट अल्फा एगोनिस्ट की तरह काम करता है जो कि हमारा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज कराता है और जिसके वजह से हमारा सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ता है और हमारा ब्लड प्रेशर रेज होता है। हमें यहाँ इस कंडीशन में हमें अपना ब्लड प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। तो इस पे क्या करेंगे, हमें पता है कि अगर हमारे वैसो डायलेशन होती है तो हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, और अगर हमारे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है तो फिर हमारा ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस हिसाब से ये हमारा एक अल्फा एगोनिस्ट के हिसाब से काम करता है, ताकि वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब ब्लड वेसल की कॉन्स्ट्रिक्शन करवाए, नैरोइंग करवाए, ताकि यहाँ पे जो ब्लड का जो प्रेशर बनता है वो ज्यादा बने। क्वेश्चन नंबर थ्री इज, व्हिच रिसेप्टर स्टिमुलेशन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कार्ड वैसो कॉन्स्ट्रिक्टिव इफेक्ट ऑफ एपिनेफ्रिन। तो कौन से रिसेप्टर पे काम करके हमारा एपिनेफ्रिन जो है वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज कराता है? ऑप्शन ए अल्फा वन रिसेप्टर, ऑप्शन बी बीटा वन रिसेप्टर, ऑप्शन सी बीटा टू रिसेप्टर या फिर ऑप्शन नंबर डी डोपामिन रिसेप्टर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए अल्फा वन रिसेप्टर। हमने पिछले क्वेश्चन में भी इसके बारे में डिस्कस करा था, तो हमारा करेक्ट आंसर है अल्फा वन रिसेप्टर। तो अल्फा वन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके नॉरएपिनेफ्रिन अपना वैसो कॉन्स्ट्रिक्टिंग एक्टिविटी शो करता है, जिसके वजह से हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर फोर इज, व्हिच टाइप ऑफ शॉक इज कैरेक्टराइज्ड बाय इनएडिक्वेट कार्डियक आउटपुट डिस्पाइट ऑफ एडिक्वेट इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम। तो हमारा हमने डिस्कस करा कि जो हमारा हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होता है उसमें क्या होता है, इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम कम हो जाता है, मतलब ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है और इसके वजह से हमें शॉक होता है। लेकिन कौन सा ऐसा हमारा शॉक होता है जिसमें हमारे पास ब्लड की वॉल्यूम तो रहती है लेकिन कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है, जो हमारे हार्ट जो हमारा ब्लड पंप करता है उसकी रेट कम हो जाती है, तो वो कौन सा हमारा शॉक होता है? ऑप्शन ए हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, ऑप्शन बी कार्डियोजेनिक शॉक, ऑप्शन सी सेप्टिक शॉक या फिर ऑप्शन नंबर डी न्यूरोजेनिक शॉक। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी कार्डियोजेनिक शॉक। तो जो कार्डियोजेनिक शॉक होता है दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इनएडिक्वेट कार्डियक आउटपुट डिस्पाइट ऑफ एडिक्वेट इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम। इस कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ब्लड इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम तो मेंटेन रहती है लेकिन जो हमारा कार्डियक आउटपुट है, जो हमारा हार्ट जो ब्लड पंप करता है उसकी अमाउंट कम हो जाती है। ये ड्यू टू ये ऑफन हमारा होता है आफ्टर इस्केमिया एंड लॉस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन। अगर हमारे हार्ट की लेफ्ट वेंट्रिकल में फंक्शन की डिफिशियंसी हो जाती है, फिर हमारा हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल ठीक से फंक्शन नहीं करता, या फिर अगर हमें इस्केमिक कंडीशन से हम रिकवर हो रहे हैं। इस्केमिक कंडीशन क्या होता है,
जब हमारे हार्ट को जितना ऑक्सीजन चाहिए, जितनी ऑक्सीजन की डिमांड होती है, उतने ऑक्सीजन उस हार्ट को नहीं मिलता, उतना ऑक्सीजन हमारे हार्ट तक पहुंच नहीं पाता, तो क्या होता है, हमारा हार्ट अपना काम करना थोड़ा कम कर देता है, उसके कार्डियक आउटपुट थोड़ी कम हो जाती है। तो उस कंडीशन में अगर इसके में से रिकवर हो रहे हैं, तब हमें कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है, या फिर अगर हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में फंक्शनिंग की थोड़ी दिक्कत हो रही है तो कम हो सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हिच ड्रग इज कॉमनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ सेप्टिक शॉक अलोंग विद फ्लूइड रिप्लेसमेंट एंड सप्लीमेंटल ऑक्सीजन। तो कौन सा ड्रग हमारे पास ऐसा है जो हम सेप्टिक शॉक में यूज कर सकते हैं या फिर फ्लूइड रिप्लेसमेंट में यूज कर सकते हैं? ऑप्शन ए नॉरएफिनेफ्रिन, ऑप्शन बी एफिनेफ्रिन, ऑप्शन सी डोपामिन, या फिर ऑप्शन नंबर डी वैसोप्रेसिन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए नॉरएफिनेफ्रिन। तो जो नॉरएफिनेफ्रिन है वो हमारा बोथ सेप्टिक शॉक में भी यूज हो सकता है अलोंग विथ फ्लूड रिप्लेसमेंट एंड अदर सप्लीमेंट। जब हम सेप्टिक शॉक होता है तब हम नॉरएफिनेफ्रिन यूज कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हम फ्लूड रिप्लेसमेंट यूज कर सकते हैं, सप्लीमेंटरी हम ऑक्सीजन भी ले सकते हैं। इसके वजह से क्या होता है ना, हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है और टिश्यू बाय परफ्यूजन भी इंक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 6 इज, विच ड्रग इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर एनाफेलेटिक शॉक? तो एनाफेलेटिक शॉक में हम कौन सा ट्रीटमेंट यूज करते हैं? ऑप्शन ए नॉरएफिनेफ्रिन, ऑप्शन बी एफिनेफ्रिन, ऑप्शन सी डोपामिन, या फिर ऑप्शन नंबर डी डोब्यूटामाइन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एफिनेफ्रिन। जो एफिनेफ्रिन होता है वो हमारा एक फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है फॉर एनाफेलेटिक शॉक। इट एक्ट एज अ वैसोप्रेशर, ब्रोंकोडाइलेटर एंड डिक्रीज रिलीज ऑफ मेडिएटर फ्रॉम द मास्ट सेल। जो हमारा एफिनेफ्रिन होता है वह एनाफेलेटिक शॉक में हम यूज कर सकते हैं, वैसोप्रेशर की तरह यूज होता है ये, ब्रोंकोडाइलेटर होता है, और हमारा जो जो मास्ट सेल से जो हमारे इंफ्लेमेटरी मेडिएटर रिलीज होते हैं उनकी भी रिलीज को डिक्रीज कर देता है। क्वेश्चन नंबर 7 इज, व्हाट इज द प्राइमरी एक्शन ऑफ डोपामिन इन द मैनेजमेंट ऑफ शॉक? तो जो हमारा डोपामिन होता है तो उसको हम शॉक के मैनेजमेंट के लिए क्यों यूज करते हैं, कौन से मैकेनिज्म से वो अपना एक्शन शो करता है? ऑप्शन ए वैसोडाइलेशन, ऑप्शन बी डिक्रीज हार्ट रेट, ऑप्शन सी इंक्रीज कार्डिया कॉन्ट्रैक्टिलिटी, या फिर ऑप्शन नंबर डी इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इंक्रीज कार्डिया कॉन्ट्रैक्टिलिटी। मतलब ये हमारे जो कार्डिया की कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, मतलब जो जिस रेट से हमारा हार्ट बीट करता है, जिस रेट से वो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको हम कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी कहते हैं, तो उसको वो इंक्रीज कराता है। तो डोपामिन हमारा एक वैसो प्रेशर होता है जो कि हम मैनेजमेंट ऑफ शॉक के लिए यूज कर सकते हैं। प्राइमरी हमारे कार्डियक की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को, कॉन्ट्रैक्शन को, रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट को बढ़ाता है बाय स्टिमुलेटिंग बीटा वन रिसेप्टर। क्वेश्चन नंबर 8 इज, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूरोजेनिक शॉक? तो न्यूरोजेनिक शॉक में हमारा बेसिकली कौन सा क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होता है? ऑप्शन ए हाइपरटेंशन एंड सीवी कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स, बी अर्टिकारिया एंड एंजियोएडिमा, ऑप्शन नंबर सी हाइपोटेंशन एंड पिकोलोथर्मिया, या फिर ऑप्शन नंबर डी कूल मॉल्टेड स्किन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी हाइपोटेंशन एंड जो न्यूरोजेनिक शॉक होता है इट इज कैरेक्टराइज बाय हाइपोटेंशन। इसमें हमारा ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है और हम पोइकिलोथर्मिया से डील करते हैं, विच इज द इनएबिलिटी टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। मतलब जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन है उसमें हमें दिक्कत होती है। इट अकर ड्यू टू द सडन लॉस ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम फंक्शन फॉलोइंग स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। अगर हमें कहीं स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी होती है और हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के फंक्शनिंग में गड़बड़ हो जाती है, तब हमें न्यूरोजेनिक शॉक होता है। क्वेश्चन नंबर 9 इज, व्हाट इज द मैनेजमेंट अप्रोच फॉर न्यूरोजेनिक शॉक? अगर हमें न्यूरोजेनिक शॉक को ट्रीट करना है तो हमें क्या मैनेजमेंट अप्रोच रहना चाहिए हमारा? ऑप्शन ए एफिनेफ्रिन एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी फ्लूइड रिप्लेसमेंट, ऑप्शन सी एंटीहिस्टामिनिक मेडिकेशन, या फिर ऑप्शन नंबर डी एट्रोपिन एडमिनिस्ट्रेशन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी फ्लूइड रिप्लेसमेंट। अगर हमें न्यूरोजेनिक शॉक को ठीक करना है तो हमें द मैनेजमेंट ऑफ न्यूरोजेनिक शॉक इन्वॉल्व एयरवे सपोर्ट, फ्लूइड रिप्लेसमेंट, फ्लूइड के रिप्लेसमेंट करते हैं हम इसमें टू मेंटेन आवर ब्लड प्रेशर, और हम ट्रीटमेंट ढूंढते हैं फॉर द अंडरलाइंग कॉज। और बाकी जो हमारे ऑप्शन है जैसे कि एफिनेफ्रिन, एफिनेफ्रिन यूज होता है पर ये हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं है, और जो एंटीहिस्टामिनिक्स है और
एट्रोपिन है वो नॉर्मली हम इसमें यूज ही नहीं करते। बेसिकली जब हमारे पास कोई न्यूरोजेनिक शॉक का कंडीशन होता है तब सबसे पहले हम उसको फ्लूइड रिप्लेसमेंट करवाते हैं, एयरवे के एयरवे में सपोर्ट देते हैं और अंडरलाइन कॉज को ढूंढ के उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, विच क्लिनिकल फीचर इज कॉमनली ऑब्जर्व इन न्यूरोजेनिक शॉक। तो कौन सा कॉमनली न्यूरोजेनिक शॉक में कौन सा फीचर हम देखते हैं? ए हाइपरथर्मिया, बी हाइपरटेंशन, सी टैकीकार्डिया या फिर डी ब्रैडीकार्डिया। सो द करेक्ट आंसर इज ब्रैडीकार्डिया। तो जो ब्रैडीकार्डिया होता है इट इज द कैरेक्टरिस्टिक क्लिनिकल फीचर ऑफ न्यूरोजेनिक शॉक विच अकर ड्यू टू द सडन लॉस ऑफ नर्वस सिस्टम फंक्शन। इसमें हाइपरथर्मिया, हाइपर टेंशन एंड टैकीकार्डिया नहीं होते क्योंकि इसमें हमारा हाइपोटेंशन मोस्टली होता है। सो दिस वॉज ऑल गाइज, थैंक यू सो मच। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा।